अयोध्या में बारिश के पानी ने भाजपा के डेवलपमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और चुनाव के बाद पहली बारिश में अयोध्या में जगह जगह जल भराव की तस्वीरें आने लगी। इसी क्रम में कल यानी कि 29 जून को फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने दल बल के साथ रामपथ के शहादतगंज से लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन तक का निरीक्षण किया। बाकायदा इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने जो सड़कों का हाल देखा उसे लेकर वो भाजपा को घेरते नजर आए। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पहली बरसात को ही रामपथ सड़क झेल नहीं पाई, कई जगहों पर सड़क धंसने लग गई है, कई जगहों पर गड्ढे हो गए और वहीं सड़कों पर गंदगी आ गई है। देखिए ऐसा है, ये इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और शुरुआती दौर से जब बारिश हुई है तभी से मुझे सूचना मिल रही थी विभिन्न स्रोतों से, मीडिया के द्वारा, तो यहाँ के तमाम हमारे लोग गए भी तो उन्होंने बताया कि अयोध्या जहाँ से आप सुन के आए हैं बड़ी हालत खराब है, यहाँ तक कि राम मंदिर का जो रोड है वो धंस गई है, जगह जगह लोगों के घरों में पानी भर गया है, अस्पताल में पानी भर गया है, लोगों के सामने दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं। यहाँ तक बताया कि ये जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से जो भी यात्री आते हैं दूर दराज से, देश से, दुनिया से जहाँ भी आते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में तकरीबन 500 मीटर ऐसा स्थान है जहाँ पर गंदगी, और गंदगी का क्या क्राइटेरिया बताया जाए, किस तरह की गंदगी, गंदगी में कूड़ा है, कचरा है, पेशाब है, टट्टी है, मलमूत्र है और जो भी गंदगी जितनी होती है गंदगी से भरा हुआ है। और कोई भी जाएगा, कोई भी आएगा, कितना बड़ा से बड़ा आदमी जाएगा, अगर पैदल जाएगा तो उसको गंदगी से घुस कर जाना पड़ेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये पुरवा है, जलवान पुरवा के लिए कितना बड़ा परेशानी पैदा है, बताते हैं गाय खड़ी है, तीन चार दिन से गाय खड़ी है, वो निकाली नहीं गई। अब गाय हमारी माता है, अब 3 सिंगों को ना पानी मिला है, ना बैठने मिला है, ना उतार मिला है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर अस्पताल में आते हैं, देखते हैं जो ये अस्पताल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीना पहले इसका उद्घाटन किया था। और ये दीवाल गिरी है जो बाएं हाथ है, देखो ये हमारे इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये बाउंड्री जो है दीवाल है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बताते हैं जिस दिन पानी बरसा, प्रथम बरसात में ढह गया, हालांकि छिपाने का काम किया गया, कुछ ये पर्दा लगाया गया है, टीना लगाया गया है, लेकिन अभी भी ये दरवाजा खुला आकर देख सकते हैं किस तरह से पूरी दीवार ढह गई है। प्रभु की कृपा रही, इसमें कोई दबा नहीं, ये भगवान की, प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि कोई दबा नहीं, नहीं तो इतनी बड़ी 150-200 मीटर की और 8 फीट ऊंची दीवार गिर जाए तो इसमें कुछ भी हो सकता था, खैर नहीं हुआ, ये प्रभु की कृपा है। तो ये सारी बातें ये किस बात का संकेत देती, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर अयोध्या की बात, विकास की बात, निर्माण की बात सब कहती है, लेकिन उसका कितना विकास हुआ, कितना काम जमीन पे हुआ है, ये उसकी सारी कलई खुल रही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा, देश का कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये सारी बातें अपने आप इस बात का सबूत के रूप में बोल रही हैं कि यहाँ पर लोगों को ठगा गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, राम के नाम को बदनाम किया गया है, ये दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे मामले हैं और गंभीर मामले हैं, तो इसको गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है, तो इसको हमने गंभीरतापूर्वक लिया है। यहाँ की महान जनता ने, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हम पर बड़ा यकीन और भरोसा किया है, तो मैं तो संकल्प लिया हूँ कि मैं इनके विश्वास पर खड़ा उतरूँगा, उनके उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूँगा, उनकी तराजू पर मैं खड़ा उतरूँगा
तभी मैं अपनी जीत मानूंगा। तो जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपी गई है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम की धरती पर कह रहा हूँ, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा और जनता को परेशानियों से, दुश्वारियों से, संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं होगा जिसको न हड़प करें। हम पूरी उससे लोगों को परेशानियों से छुटकारा दिलाएं। अरे भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये राम पथ है। राम पथ की सड़क की समीक्षा हर महीने होती थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते थे, और ये 6 लोगों को सस्पेंड कर देना, इसमें तो जब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है तो कौन कौन लोग दोषी होंगे ये हमें अभी कहना सवेरा है। ये तो जांच में आएगा कि कौन कौन लोग दोषी होंगे। हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, मर्यादा को चाहते हैं कायम हो। क्या यही मर्यादा हो दवाल गिर जाए? क्या यही मर्यादा है लोग चाहता से और टट्टी और पेशाब के रास्ते से जाएं? क्या यही रास्ता है लोगों का निकलना दूभर हो जाए? क्या यही रास्ता है कि लोग जो अस्पताल में दवा करने के लिए आवें तो कीचड़ भरा है, मच्छर भरा है? ये सब मर्यादाएं हैं। ये सारा हम इसको टैकल करेंगे, सॉल्व करने का हर ढंग से प्रयास करूंगा। तो सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे प्रकरण पर शासन प्रशासन से बात करने का दावा किया और जल्द ही समस्या का समाधान करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस निर्माण कार्य में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि बरसात के कारण हो रही दिक्कतों को लेकर अयोध्या से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जिसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रामपथ पर कई जगह सड़क धंसने की वजह से आने जाने वालों को भारी परेशानी हुई। लापरवाही के लिए नागरिक एजेंसियों के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि 23 जून और 25 जून को हुई बारिश के बाद रामपथ के साथ लगभग 15 गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। सड़क के किनारे के घरों में भी पानी भर गया। इस 14 किलोमीटर लंबी सड़क के कई हिस्से भी कई जगहों पर धस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी सरकार ने 6 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया है। जिन अफसरों को प्रदेश शासन ने निलंबित किया है उसमें लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे और उत्तर प्रदेश जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद शामिल है।